पिछले कई महीनों से पद्मावती फिल्म पर उठे भूचाल ने देश भर के छत्रियों को लामबंद कर दिया है, जिसका खामियाजा पद्मावत फिल्म के डायरेक्टर भंसाली को उठाना पड़ रहा है। हालांकि देश की सर्वोच्च अदालत ने फिल्म रिलीज करने का ऑर्डर भी पास कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी क्षत्रिय महासभा ने फिल्म को किसी भी हालत में रिलीज नहीं करने की बात पर अडिग है। और अब तो देश के कई शहरों में सिनेमाघरों में तोड़फोड़ तक हो रही है, जिससे फिल्म वितरकों में भी खौफ पैदा हो गया है। किसी कड़ी में आज मुरादाबाद में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से जुड़े लोगों ने पद्मावत फिल्म का विरोध करते हुए एक जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पर जाकर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भी सौंपा। हम लोग आए हैं, रानी पद्मावती के नाम से एक पिक्चर बनाई गई है जो श्री संजय लीला भंसाली हैं, उन्होंने इसको बनाया है। और हमको लगता है कि इसमें इतिहास के साथ रानी पद्मावती के साथ छेड़छाड़ की गई है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ है इसमें पूरी तरह से, जो पूरी तरह से हमारे इतिहास का अपमान है। क्षत्रिय समाज इसको बिल्कुल सहने वाला नहीं है। और हमने एक ज्ञापन दिया है आज जिलाधिकारी जी के कार्यालय में, जो जिसमें हमने माननीय राष्ट्रपति जी से अपील की है कि उसको तुरंत जो है उसकी रिलीज पे पाबंदी लगाई जाए। अच्छा, ऐसा क्या है इस फिल्म में जो आप कह रहे हैं कि अलग है या इतिहास से विरोध करने का मुख्य कारण क्या है आप लोग? इतिहास से छेड़छाड़ भाई साहब, क्या दृश्य है जो छेड़छाड़ करते हैं इसमें, जो डांस दिखाया गया है? एक तो जो आप लोग देख रहे होंगे टीवी में जो इसके प्रमोशन चल रहे हैं, उसमें घाघरा सॉन्ग एक रानी पद्मावती खिलजी के सामने या किसी के भी सामने घाघरा डांस करेंगी, ये दिखाया जाएगा और क्षत्रिय समाज इसे बर्दाश्त करेगा, ये हो नहीं सकता है। तो आज क्या करा आपने उसमें? हम लोग एक ज्ञापन देने आए थे, मैंने पहले आपको बताया कि किसे सौंपा जी, किसे सौंपने आए ज्ञापन? ज्ञापन हमने जिलाधिकारी जी को सौंपने आए थे, लेकिन ACM साहब यहाँ पे उपलब्ध थे, क्योंकि किसानों से संबंधित कोई मीटिंग है आज, जिसमें जिलाधिकारी जी ज्ञापन में क्या बैन करने की मांग है आपकी? क्या हमने रिलीज को पूर्णतः पाबंदी के लिए वो किया है, माननीय राष्ट्रपति जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है, जो जिलाधिकारी जी के माध्यम से उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे। और पूरा क्षत्रिय समाज जो जिला मुरादाबाद का है, वो सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं। मेरे ख्याल में आप लोग देख रहे होंगे, बड़े शॉर्ट नोटिस पर संख्या बहुत सारी है, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा इस पर रिलीज करने का ऑर्डर हो गए हैं। ठीक है, माननीय न्यायालय ने अपना जो उनका रिलीज का ऑर्डर है, लेकिन अगर आप देखो तो पहले भी कई फिल्मों पे पार्लियामेंट के स्तर से एक रोक लगाई गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको दिया है रिलीज करने का आदेश, तो संसद को मैं माननीय मोदी जी से आग्रह करूंगा कि क्षत्रिय समाज का सम्मान करते हुए वो इस फिल्म की रिलीज पर तुरंत पाबंदी लगाएं। अगर पाबंदी नहीं लगती है तो आपका अगला स्टेप क्या? पाबंदी हमें ये लगता है कि आज जो है दो सरकारें ऑलरेडी अपने अपने हाईकोर्ट में गई हुई हैं, राजस्थान भी गई हुई है और मध्य प्रदेश भी गई हुई है। हमें लगता है कि इस पे हम लोगों को क्षत्रिय समाज का सम्मान हाईकोर्ट भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया मूवी रिलीज हो जाएगी जी, रिव्यू पटिशन डाल रहे हैं और उम्मीद है कि सबका क्षत्रिय समाज का सम्मान माननीय सुप्रीम कोर्ट भी करेंगे और उच्च न्यायालय जो अलग अलग स्टेट्स में है वो भी करेंगे।